हेलो गाइस, आई एम भाविका चावला फ्रॉम गो ग्लोबल जर्नी। आज का हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ प्लेस कंट्री इन विच यू वुड लाइक टू लिव और वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एक ऐसा प्लेस या कंट्री के बारे में बताएं जहाँ पे आप रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। वेयर यू वुड लाइक टू लिव और वर्क, व्हाट यू वॉन्ट टू डू देयर, व्हेन वुड यू लाइक टू गो देयर, व्हाई डू यू वॉन्ट टू लिव देयर। शुरू करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम आई हैव विजिटेड सो मैनी प्लेसेस। मेरे बचपन से अब तक मैंने बहुत सारी जगह विजिट की हैं। ऑल्दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट अप टू द मार्क, जबकि कभी कभार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा, द मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून, बट ज़्यादातर मैं बहुत खुश हुआ। However, here I would like to narrate about a place where I want to live, and that is none other than Canada. मैं यहाँ पे जिस place की बात कर रहा हूँ वह और कोई नहीं, Canada है। I vividly remember last year my cousin came to India from Canada to spend her vacation with me. मुझे अच्छे से याद है पिछले साल मेरी cousin Canada से India आई थी अपनी vacation spend करने के लिए। She told me about all the facilities that are being provided by the Canadian government to the public, such as a good healthcare system, the abundance of natural resources, strong employment market, the lowest crime rates and quality education. Usne mujhe Canadian government ke dwara di jane wali facilities ke bare bataya, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, लोएस्ट क्राइम रेट्स एंड क्वालिटी एजुकेशन। बिसाइड्स दिस शी टोल्ड मी दैट इफ़ यू गो देयर यू कैन मीट सेवरल पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। उसके अलावा उसने मुझे ये भी बताया कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम वहाँ पे बहुत से लोगों से मिलोगे जो कि डिफरेंट कंट्री से हैं, एंड इन दिस वे यू कैन गेन नॉलेज अबाउट वेरियस कल्चर बाय टॉकिंग टू देम। और इस तरह से तुम वहाँ नॉलेज गेन कर सकते हो डिफरेंट कल्चर के बारे उनसे बातें करके। बीइंग अ पीपल पर्सन एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन, जिसे बातें करना पसंद हो, बीइंग अ पीपल पर्सन दिस थिंग अट्रैक्ट मी लॉट, तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करी। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई वुड लाइक टू लिव देयर, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि मुझे वहाँ पर रहना क्यों पसंद है, Honestly, I have nothing bad to say about this place. तो मैं सच कहूँ मेरे पास इस प्लेस के लिए कहने के लिए कुछ भी बुरा नहीं है। I would even say this situation will be like killing two birds with one stone. ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसे है जैसे कि एक तीर से दो निशाने। It will not only improve my living standard but also broaden my horizon. ये सिर्फ मेरा living standard ही improve नहीं करेगा बल्कि इसके साथ मेरे नज़रिए को भी वाइड करेगा। ऑल इन ऑल दिस इज अ स्पेक्टेकुलर प्लेस वेयर आई वॉन्ट टू लिव। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गो ग्लोबल जर्नी असीहा थोड़े ले।